आम आदमी से चुनकर जाने के बाद उनके हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है कि जब तक आम आदमी को पूरी दिल्ली में लगभग 60% आबादी जो संपूर्ण साक्षर है, निवासरत है, उनके सहयोग से दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में हर 5 वर्ष में सरकार बना करके सरकार के रूप हम आप सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भाई एवं बहनों माननीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के मूर्ति के समक्ष उपस्थित होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली की सरकार का समर्थन कर रहे हैं और उसके समर्थन में फिरवार किया नहीं, ये तो पूरी सॉलिडरिटी की बात है। और आम आदमी पार्टी जो है ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए, ये जो लड़ाई है ये केवल 2-3 पुलिस वालों के सस्पेंड करने की नहीं है, ये पूरी व्यवस्था के परिवर्तन की है। क्योंकि जब एक विधायक अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को हल नहीं कर पाता है और दिल्ली में यदि कोई को पुलिस लाइन कर रही है और वो अपने विधायक के पास जाता है, वो मुख्यमंत्री के पास जाता है और वो फिर गृहमंत्री के पास जाता है, भारत का गृहमंत्री इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, इसका मतलब व्यवस्था में कोई बड़ा भारी खोट है जो 60 साल से चल रहा था। आम आदमी जब सत्ता में आया है तो ये खोट अब सामने आया है और मुझे लगता है कि ये पूरे देश में ये आंदोलन इसलिए चल रहा है कि मध्य प्रदेश में भी 1861 का पुलिस कानून, यहाँ पे भी दिग्विजय सिंह ने बोला था हम कानून बदलेंगे पर नहीं बदल रहे। इसका मतलब यह है कि अंग्रेज का कानून से जैसे ही सारी पार्टियां रूल करना चाहती हैं तो ये लोगों को गुलाम रखना चाहती हैं और इस गुलामी के खिलाफ कितना नैतिक मानते हैं कोई मुख्यमंत्री जब धरने पे बैठ जाए और ऐसे में आम लोगों का क्या होगा जिस विश्वास से उनको मुख्यमंत्री बनाया, और उसका मतलब है कि वो इस लायक नहीं है कि कोई व्यवस्थाएं चल सकती संविधान के समय। ये मुख्यमंत्री किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बैठा, ये व्यवस्था के खिलाफ बैठा है। और व्यवस्था जब है, व्यवस्था में जो लोग अभी हैं वो एक निहित स्वार्थ के लिए, ये खास लोगों के लिए व्यवस्था बनी थी, आम लोगों के लिए नहीं बनी थी। ये व्यवस्था को बदल के आम लोगों की व्यवस्था बनाने की ये लड़ाई है और इसमें मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और इस लड़ाई को बहुत आगे देते हैं। नाम बता जयंत वर्मा।